वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कमेंट सेक्शन में आपके 12th के परसेंटेज मुझे बताने हैं, ठीक है। अच्छे आए होंगे तो बताओ, बुरे आए होंगे तो भी बताओ, ठीक है। मेरे से जो जो हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा, ठीक है। प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके बोर्ड्स के परसेंटेज बताओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एमएसटी सीईटी 2023 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अभी आपका 12th का रिजल्ट लग गया, ठीक है। 12th के रिजल्ट के बाद क्या 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 स्टेप्स होंगे आपकी, ठीक है, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन ले सको, उन सारी स्टेप को हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। तो वो बाकी जो बेसिस है उनके बारे में बात करने वाले, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, ओके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। हर तरीके का वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। आपकी स्टार्टिंग से आपके साथ हूँ और मैं एडमिशन होने तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काउंसलिंग फॉर्म डाल दिया है, ठीक है। जरूर वो काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर देना यार, उससे होगा क्या, उससे आपको महाराष्ट्र की नंबर वन कॉलेज लिस्ट मिलेगी, ठीक है। वो कॉलेज लिस्ट आपके परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी एनटी जनरल जो भी होगी आपकी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिजायर सिटी डिजायर ब्रांच, मतलब जिस सिटी में आपको चाहिए, जिस ब्रांच में चाहिए आपका एडमिशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनेगी और वही लिस्ट आपको कैपराउंड में सबमिट करनी है, ठीक है। वो लिस्ट महाराष्ट्र के नंबर वन काउंसलर द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। ये वही काउंसलर है, ठीक है, जिन्होंने सीओपी वीजेटीआई वालचंद पीआईसीटी वीआईटी केजे सोम्या कॉलेजेस में न्यूटन एडुकेटर्स के स्टूडेंट भेजे हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट है, जैसे कि आपको प्लेसमेंट जानना है, सर इस वालचंद कॉलेज का मुझे प्लेसमेंट बता दो, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, काउंसलर आपके लिए बैठे हैं, उनको पूछ लेना, ठीक है। आपको कुछ डाउट है, सर इस कॉलेज का मेस कैसा है, ठीक है, काउंसलर को पूछो, काउंसलर आपको बताएगा, ठीक है। तो आपके साथ रहेंगे, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं चीजों को। अभी आपका 12th का रिजल्ट आ गया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा, 80-90 परसेंटाइल आए होंगे, ठीक है। किसी बच्चे के 95 आए होंगे, 97 आए होंगे, उसी जगह किसी बच्चे के 47 आए होंगे, उसी जगह किसी बच्चे के 50 आए होंगे, उसी जगह किसी बच्चे के 40 आए होंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है, आपके बोर्ड्स में 100 परसेंटेज भी आए ना तो भी सीईटी में उसका कोई रोल नहीं है, पहली चीज सुन लेना। और आपके 47 परसेंटाइल भी आए, परसेंटेज भी आए ना सीईटी में, उसका भी कुछ रोल नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड के परसेंटेज आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल, सिर्फ आपको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए जितने परसेंटेज लगते हैं बोर्ड्स के उतने चाहिए। पीसीएम में 45 प्लस मार्क्स चाहिए आपको, मतलब 150 प्लस मार्क्स, 100 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके कम मार्क्स भी आए, कम परसेंटेज भी आए, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, 50% गेम अभी भी बाकी है। और आपके अगर 96-97 परसेंटेज भी आ गए ना तो भी आपका 50% गेम बाकी है, वो 50% गेम है आपका एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमएचटी सीईटी 2023, ठीक है। सबसे पहली स्टेप उसमें होगी अभी आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, जो आपने आंसर मार्क किए हैं वो आपके सामने दिखेंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये सब चीजें आपको दिखेगी, ठीक है। उससे आप स्कोर काउंट कर लोगे, ठीक है, और चैनल पे आके आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक वीडियो बनाया, वो देख के आप आपको परसेंटाइल समझ जाएंगे आपके। उसके बाद आंसर की के बाद आपको ग्रीवेंसेस डालने होंगे कि आपको आपके आंसर की में कोई दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत है तो आप वहां पे डालो, आपके मार्क्स बढ़कर मिलेंगे अगर आपने सही एलिगेशन डाला तो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फाइनल आंसर की, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपको अगर रिजल्ट में कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वो ग्रीवेंसेस आप डाल सकते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट क्लियर करके मिलेगा अगर सही ग्रीवेंसेस है तो, ठीक है। रिजल्ट हो गया आपका, उसके बाद आपको आएगा मेल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो अभी आप बोलोगे भैया हमें तब पता लगेगा डॉक्यूमेंट्स, हमें अभी बता दो ना कौन से डॉक्यूमेंट है, तो अभी क्या, मैंने 5-6 दिन पहले भी बता के रखे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का वीडियो जाके देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स बता के रखे। अगर आपको फिर से वीडियो चाहिए फिर से बना दूंगा डॉक्यूमेंट का वीडियो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, 15-20 डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहां मिलते हैं ये भी बताया है, ठीक है। चलो बात कर ली हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे है कि नहीं, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट में वहां पे गलत मिला उनको तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करने के लिए, ठीक है। याद रखना कोई भी डॉक्यूमेंट की स्लिप या फिर रिसिप्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। कुछ भी डाउट है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट कैप राउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर कॉलेज काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट कैप राउंड में आपको डालनी होगी कॉलेज लिस्ट, ठीक है, वो कॉलेज लिस्ट आपकी कैप टू, जितने भी कैप राउंड होंगे उतने कैप राउंड तक वो कॉलेज लिस्ट चलेगी, ठीक है, उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप कॉलेजेस ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता तो आपको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, ओके। तो फर्स्ट
क्या प्रॉन में आपको डालनी होगी कॉलेज लिस्ट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका होगा कि कॉलेज लिस्ट कैसे बनाए। वहां पे आपने अगर गलती कर दी ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता ठीक है। 99% एलबी है ना, लेकिन वहां पे अगर गलती कर दी आपने, सीओईपी नीचे डाल दिया, उसके ऊपर का कुछ और कॉलेज डाल दिया, एडमिशन नहीं मिलेगा ठीक है। तो बहुत आपको समझ के कॉलेज लिस्ट बनानी होती है कि नहीं। और ऐसे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे यार जिनके बहुत ज्यादा परसेंटेज थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के घटिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। न्यूटन एडुकेटर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चों ने कॉलेज लिस्ट नहीं बनाई थी। ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके बहुत कम परसेंटेज थे, फिर भी आज महाराष्ट्र के उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं ठीक है। तो यही फर्क होता है कॉलेज लिस्ट बनवाने का। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, वहां से आप कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छे से बना सकते हो ठीक है। वहां पे काउंसलर आपको सारा डेटा मांगेंगे आपका ठीक है, कि आपका कैटेगरी बता दो, परसेंटाइल बता दो, रैंक बता दो, कौन सी सिटी में चाहिए, कौन सी ब्रांच में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे कॉलेजेस बताएगा, सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना के देगा डायरेक्ट ठीक है, आपके नाम के साथ लिस्ट बना के देगा। वही कॉलेज लिस्ट आपको देखनी है, समझनी है। आपको कुछ लगा कि मुझे नहीं है ऊपर चाहिए कॉलेज नीचे चाहिए, काउंसलर से पूछ के ऊपर नीचे कर लो, या फिर खुद आप कर सकते हो, और वो कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट कर देनी है। बात खत्म, फर्स्ट कैप राउंड हो गया। फर्स्ट कैप राउंड के बाद आपका लगेगा, फर्स्ट कैप राउंड का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट लगेगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुए हैं ठीक है। वो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको वहां पे आपकी यूनिवर्सिटी रैंक आएगी, आपकी होम स्टेट रैंक आएगी, आपके अदर देन होम स्टेट रैंक आएगी ठीक है। सारी बहुत सारी टाइप्स की रैंक आएगी, उसमें आपको कौन सी रैंक देखनी है ना, ये चीज मैं बता दूंगा आपको ठीक है। चैनल पे बने रहोगे बता दूंगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर रखना ठीक है। तो रैंक अगर आपको वहां से पता लग जाएगा, उसके बाद अगर आपको वो कॉलेज पसंद है तो आप फ्रीज कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है तो फ्लोट कर देना। फ्रीज फ्लोट का डिफरेंस के लिए एक डिफरेंट वीडियो आएगा, लेकिन फ्रीज फ्लोट थोड़ा सा समझ लो। कॉलेज पसंद है तो फ्रीज करो, नहीं पसंद है तो फ्लोट करो। फ्लोट करना मतलब अगले राउंड में जाना ठीक है। फिर कैप टू आ जाएगा आपका, कैप टू में फिर से आपका सेम प्रोसेस होगा, कॉलेज लिस्ट आपकी जो होगी उसमें से आपको कॉलेज फिल्टर होंगे। अगर आपको वहां पे भी कॉलेज पसंद नहीं आया ठीक है, आपको फिर से आगे के राउंड में जाना है, तो कोई नहीं फ्लोट कर दो, आगे के जो भी स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूट राउंड होंगे वहां पे बैठ जाओ है कि नहीं। तो आपके एक दो राउंड ऐसे होंगे, इस साल दो होने वाले, तीन होने वाले, इसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा ठीक है। अभी डिस्कशन चल रहा है सीटी सेल में ठीक है। दो कैप राउंड हो गए, उसके बाद कुछ बच्चों को लिस्ट कॉलेज लगेगा, कुछ बहुत सारे बच्चों को नहीं लगेगा ठीक है। तो उसके बाद आपका रहेगा स्पॉट राउंड ठीक है, जहां पे आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाके इंस्टीट्यूट लेवल वाइज आप कॉलेज डिसाइड कर सकते हो। स्पॉट राउंड क्या होता है, सपोज आप पीआईसीटी कॉलेज में गए, पीआईसीटी कॉलेज वालों को बोलोगे मेरे इतने इतने परसेंटाइल है, मेरा नाम स्पॉट राउंड में डाल दो, तो वो जिनके तो स्पॉट राउंड के लिए थोड़ी सी सीट बचे रहते हैं, सपोज 100 सीट से कॉलेज के बाद, तो 10 सीट ऐसे बचे रहने देते हैं वो, जो स्पॉट राउंड के स्टूडेंट्स को मिलते हैं ठीक है। तो अगर कॉलेज का कट ऑफ 96 पे क्लोज हुआ है किसी भी कॉलेज का और आपके 94 है, तो आपके वहां पे चांसेस होते लग सकता है आपका वहां पे ठीक है। इस प्रकार से आपका फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने होते हैं, जो भी कॉलेज आपको लगा है, और इस प्रकार से आपका पूरा सेशन होता है ठीक है, काउंसलिंग सेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलेज लिस्ट, वो चीज में गलती मत करना। कुछ भी डाउट है ना आपको, काउंसलर से पूछ लो यार, वो बंदे मैंने आपके लिए बैठा है ठीक है। फॉर्म भर दो, उसके बाद काउंसलर आपसे, आपको एक मेल आईडी मिलेगा, वहां से आप काउंसलर से बात कर सकते हो ठीक है। सो यही सारी चीजें थी आज की वीडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन हो जाना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।